इंद्रबन गुलाबी रंग ने रंगा कोलकाता, शहर भर में पिंक बॉल टेस्ट मैच को लेकर उत्साह। ऐतिहासिक ईडन गार्डन के आसपास पहुंचते ही किसी को भी पिंक सिटी जयपुर में होने का भ्रम हो सकता है। भारत बांग्लादेश के बीच शुक्रवार से खेले जाने वाले दिन रात्रि मैच से पहले न सिर्फ ईडन बल्कि पूरा महानगर ही गुलाबी रंग ने रंग गया है। सूरज ढलते ही ईडन के भीतर और बाहर जहां तक निगाह जाती है हर तरफ गुलाबी ही नजर आता है। देश के इस पहले दिन रात्रि मैच के कोलकाता में आयोजन से यहां क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। मैच की ज्यादातर टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल CABC को पांचों दिन हाउसफुल रहने का भरोसा है। इस मैच की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस मैच के पहले दिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी। इनके अलावा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और VVS लक्ष्मण भी मौजूद रहेंगे। CABC के सचिव अभिषेक डालमिया ने बताया कि टॉस से पहले सेना के पैरा ट्रूपर सीधे मैदान में उतर कर दोनों देश के कप्तानों को एक एक गुलाबी गेंद सौंपेंगे। सेना की पूर्वी कमान के अधिकारियों के साथ इस बारे में बात हो चुकी है। शाम को एक समारोह में 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम और ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मार्च 2001 में इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत की याद में मैच के तीसरे दिन एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उस समय टीम में शामिल कई खिलाड़ियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए न्योता दिया गया है। यह टेस्ट दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। लंच के बाद शाम 3:40 बजे मैच शुरू होने के समय ही फ्लड लाइट्स जला दी जाएगी। चाय के ब्रेक के बाद अंतिम सत्र शाम 6 से रात 8 बजे तक चलेगा। CABC ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ईडन में गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले पहले डे नाइट मैच के पहले 4 दिनों के दौरान रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग मैदान में मौजूद रहेंगे। तमाम टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं। इनमें ऑनलाइन बिकी 17,000 टिकटें भी शामिल हैं।